गुजरात की विजय रूपाणी सरकार का बड़ा ऐलान, छोटे और बड़े व्यापारियों के लिए लिया खास निर्णय। कल से क्या खुलेगा और क्या बंद रहेगा, आइए देखते हैं ये रिपोर्ट में। दुनिया के लगभग सभी देश इन दिनों कोरोना संक्रमण की महामारी से संघर्ष कर रहे हैं। ज्यादातर देशों में सब कुछ बंद है, यानी लॉकडाउन है। लेकिन कोरोना वायरस नाम के इस वैश्विक महामारी की परेशानी का वास्तविक दौर लॉकडाउन खत्म होने के बाद शुरू हो सकता है। इसी बीच मुख्यमंत्री श्री विजय रूपाणी ने राज्य के छोटे और बड़े दुकानदारों व्यापारियों के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि 26 अप्रैल से मॉल और मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स को छोड़कर सभी दुकानों को अपना व्यवसाय चलाने की अनुमति होगी। मुख्यमंत्री ने भारत सरकार की घोषणा के अनुसार में राज्य में इस निर्णय की घोषणा की। व्यापार करने की छूट नियमों और शर्तों के अधीन है। दुकान व्यवसाय में व्यवसाय के नियमित कर्मचारियों का 50% होना चाहिए। दुकानदारों को मास्क पहनना और सामाजिक दूरी बनाए रखना भी अनिवार्य है। गुजरात राज्यना मुख्यमंत्री श्री विजय भाई रूपाणी द्वारा आजे दुकानदारों माटे खूबज एक महत्वपूर्ण निर्णय लेवामां आवेल छे, जेना भागरूपे गुजरात राज्यना तमाम जिल्लाओमां आवेली दुकानों ए आवतीकाले तारीख 26/4/2020 થી ચાલુ કરવાનો છૂટ આપવા બાબતમાં નિર્ણય લેવામાં આવેલ છે। એટલે કે આવતીકાલથી રાજ્યના તમામ શહેરો જિલ્લાઓમાં મોલ અને માર્કેટિંગ કોમ્પ્લેક્સ સિવાયની જગ્યાએ તમામ દુકાનો પોતાના ધંધા વ્યવસાય કરવા માટે ખોલી શકાશે। ખાસ કરીને શોપ્સ એન્ડ એસ્ટેબ્લિશમેન્ટ એક્ટ હેઠળ જે દુકાનો નોંધાયેલી હોય એ તમામ દુકાનોને આવતીકાલથી ખોલી શકાશે। એના 2-3 એમાં શરતો રાખવામાં આવી છે। પહેલી શરત એ છે કે એ દુકાન કન્ટેનમેન્ટ એરિયાની બહાર આવેલી હોવી જોઈએ, એટલે કે જિલ્લા વહીવટીતંત્ર દ્વારા જે વિસ્તારોને કન્ટેનમેન્ટ એરિયા તરીકે આઇડેન્ટિફાઈ કરવામાં આવેલ હોય એવા કન્ટેનમેન્ટ ઝોનમાં કોઈ પણ દુકાન ખોલી શકાશે નહીં, પરંતુ કન્ટેનમેન્ટ એરિયામાં ન હોય એવી તમામ દુકાનો આવતીકાલથી ચાલુ કરી શકાશે। અબ આપકો બતાતે હૈ કે કોન કોન સી દુકાને ખુલેંગી ઓર કોન સી નહીં ખુલેંગી। जूते की दुकानें नहीं खुलेंगी, पान की दुकानें नहीं खुलेंगी, सैलून नहीं खुलेगा, आइसक्रीम पार्लर नहीं खुलेगा, नमकीन की दुकानें भी बंद रहेंगी, स्टेशनरी की दुकानों को छूट दी गई है, राशन की दुकानें भी खुली रहेंगी, मोबाइल रिचार्ज की दुकानें खुली रहेंगी, पंचर की दुकानें खुली रहेंगी, बिजली की दुकानें पर छूट रहेगी, इलेक्ट्रिक सामान बेचने वाली दुकानें भी खुली रहेंगी और इसी के साथ एसी व कूलर मरम्मत की दुकानें भी खुली रहेंगी। कोरोना जैसी महामारी के बीच सभी लोग लॉकडाउन में हैं और अपने अपने स्तर पर संघर्ष भी कर रहे हैं। ऐसे में धैर्य ही हथियार है, जिसे धारण कर हम इस संकट की घड़ी को भी पार कर लेंगे। सौम्या सिंह, गुजरात तक।